कच्चे मकान ढहने से 3 की मौत, 6 घायल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के रतवाखेड़ा गांव में लगातार हो रही बारिश से भीगा कच्चा मकान ढहने से 9 बच्चे सहित 2 महिलाएं मलबे में दब गईं, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों ने मलबे से बाहर निकाला, जहां 3 बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं सहित 6 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो घर में बच्चे खेल रहे थे कि तभी अचानक एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे सहित 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बच्चों सहित 1 महिला की हालत नाजुक देख डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं SP ने बताया कि एक कच्चा मकान ढहने से 9 बच्चे मलबे में दब गए हैं, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। कैसे घटना घटी? कैसे क्या, कच्ची छत थी, सभी लड़के मतलब एक साथ बैठे थे, खेल रहे थे, और छत अचानक गिर गई, उसी में दब गए। दब जाने से मतलब काफी देर में निकले, कुछ एक्सपायर हो गए। कितने की मौत हो गई है? कितने बच्चे लग रहा थी? कोई कितने बच्चे खेल रहे थे? बच्चे बता रहे हैं 7 थे। क्या नाम है आपका? कौन कालपाल? कैसे हम सवेरे साहब हरवा खाते है, हमारा घर दुलत रहा है, पर ऐसी छेरी खिल के चले गए। अभी जब हमको खबर मिली जंगल में, तो हम तो भागते भागते आए, हम वैसे नहीं दौड़े पाए साहब। गिर गई अचानक, हमने गिरे काबिल रहेगा। 9 लोग, नाती नतनी बिटिया के नाती रहे, सब हिम्मत खा लेते। आज दिनांक 29 अगस्त को संतर फतेहपुर के थाना क्षेत्र बिंदकी के रतवा खेड़ा गांव में एक मकान की छत ढह जाने से 9 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। शेष को बचा लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। मौके पर उच्च अधिकारी फंस गए हैं और राहत दी जा रही है।